युवावस्था पूजा के योग्य हो जाए ऐसे बहुत कम लोग होंगे। जिनकी युवावस्था निर्दुष्ट हो, निर्दोष हो, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और हमारे जो राघव प्रभु हैं समुपस्थित यौवनौ, इनकी युवावस्था तो संपूजित होने के योग्य है। महाराज ये हैं कौन? कथम पदभ्याम यह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वामुने बरायुध धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने। आप बताएं। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपने सही समझा, यह वही है जो सबको प्रिय है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। मैंने बता दिया कि हाँ हाँ, जो आप समझ रहे हैं यह वही है। सर्वप्रिय कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकते हैं महाराज। सर्वप्रिय तो कोई इंसान नहीं हो सकता। जो सबको अच्छा लगे भगवान ही हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग आज अच्छे लग रहे हैं, कल भी अच्छे लगे, ऐसा तो राम जी को छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता। सदैकव प्रिय दर्शन हो सर्वप्रिय दर्शन, सर्वप्रिय दर्शन होना हो सदैक प्रिय दर्शन होना, ये तो भगवान ही हो सकते हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, यह वही है जो सबको प्रिय है। अब राम जी सोचे कि भाई ये तो हमारा भेद ही खोल देंगे। देखिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार में एक मूल अंतर जो यह है कि राम जी ने अपने ब्रह्मत्व का संगोपन किया है। राम जी ने मैं ईश्वर हूं इस बात को छुपाया है, और कन्हैया ने मैं ईश्वर हूं इस बात को बार बार बताया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं मैं ही भगवान हूं, मुझे समझो। कन्हैया ने कहीं छुपाया नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, और राम जी ने कहीं मैं कहीं भी बताया नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए कुछ लोग तो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने तो राम जी का वर्णन किसी महापुरुष के रूप में किया है, ईश्वर के रूप में नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ही आरंभ में कहते हैं कि भगवान ही श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, ले रहे हैं। एतस्मिन् नंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणी उपयातो महाद्युति। और जब राम जी प्रकट हुए तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कौन प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। तो अब ये कोई कहे कि महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं लिखा है कि राम जी ईश्वर हैं तो इन पंक्तियों पर दृष्टि नहीं गई होगी। ये तो जब भगवान जन्म लिए वहीं पर लिख दिया कि जगन्नाथ प्रकट हुए हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतम। हाँ, लेकिन अंतर क्या है? का दो विधि है। एक तो यह विधि है कि मैं बताऊं ईश्वर हूं, और दूसरी विधि यह है कि मेरी प्रत्येक क्रिया से यही प्रकट होगा कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैं स्वयं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, कोई बताता चले कि मैं विद्वान हूं। इसकी अपेक्षा उसके आचरण से, उसकी क्रियाओं से प्रकट हो कि यह विद्वान है, ज्यादा बेहतर बात होगी। तो राम जी ने कहीं बताया नहीं कि मैं ईश्वर हूं, और कन्हैया कहीं छुपाते नहीं कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन ब्रह्मत्व का संगोपन कहां होता है? आगे आप देखेंगे युद्ध कांड में तो ब्रह्मा जी आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए रावण वध के बाद। और इस स्तुति के बाद जब बताया कि महाराज यह जगत ही आपका शरीर है, आप ईश्वर हो, आप परमात्मा हो, आप विष्णु हो, आप नारायण हो, तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं और मैं दशरथ का पुत्र हूं। इतना संगोपन। लेकिन हमारे एक आचार्य कहते हैं प्रभु आप कितना भी अपने ब्रह्मत्व का संगोपन करें आपका ब्रह्मत्व छिप नहीं सकता। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं, पृच्छामि किंचन यदा किल राघवत्वे माया मृगस्य वशगो मनुजत्वमोध्यात् सीता वियोग विवसह न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा परगतिं हि कथं खगाय। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सीता के वियोग में ऐसे रो रो करके भटक रहे हो और जैसे
आपको बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि श्री जानकी जी कहां हैं। आप ऐसी लीला कर रहे हो कि माया मृग के पीछे, मारीच के पीछे दौड़ रहे हो, जैसे आप समझ ना पा रहे हो कि माया का मारीच है, माया का मृग है, मारीच माया मृग बनकर आया है। लेकिन बाहर है प्रभु, आपको लंका में बैठी सीता नहीं दिखी, लेकिन आपने जटायु जी को मोक्ष दे दिया। यागतिर यज्ञशीला नाम आहिताग्नि से यागति, इसका मतलब यह है कि किसी जीव को मोक्ष कौन दे सकता है? कोई मनुष्य दे सकता है क्या? ईश्वर के अलावा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। और आपने जटायु जी को मोक्ष दे दिया, आपने अहल्या जी का उद्धार कर दिया, तो आप अपने ब्रह्मत्व का कितना भी संगोपन करें, लेकिन आपका ईश्वरत्व तो छिपता नहीं है, आपका ब्रह्मत्व तो छिपता नहीं है। और आज महाराज श्री जनक ने कह दिया, मुझे तो लगता है यह ब्रह्म है, और इसकी पुष्टि भी विश्वामित्र जी कर रहे थे। अब राम जी सोच रहे, मैं कैसे इन लोगों को रोकूं कि यह चर्चा मत करो कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं तो अपने को छुपा रहा हूं, कहीं गुरु जी पूरा भेद ना खोल दे। और गुरु जी बीच में बोल रहे हैं तो रोकना टोकना भी ठीक नहीं है। गुरु जी किसी बात को कर रहे हो, बीच में टोक देना, रोक देना, यह भी उचित नहीं है। तो राम जी ने क्या किया, कहा गुरु जी ने जब कहा कि वही है जो सबको प्रिय है, तो राम जी मुस्कुरा दिए, राम जी हंस दिए। भगवान की माया क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि भगवान की जो हंसी है यही माया है। हासो जनोन माद करीच माया, भगवान की हंसी ही माया है। और भगवान जब किसी को सब कुछ भुलाना चाहते हैं, माया का पर्दा लगाना चाहते हैं, तो भगवान हंस देते हैं। तो जैसे ही कहा ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुसुका ही राम सुनु बानी, गुरु जी की ओर देखकर हंस दिए। बस गुरु जी भूल गए इनके ब्रह्मत्व को अब बताना नहीं है, वो तो माया ने अपना काम कर दिया। तो लौकिक परिचय देने लगे, यह महाराज श्री दशरथ के दोनों पुत्र हैं, और अहल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम महाधनुष जिज्ञासाम करतुम आगमनम तथा एतत् सर्वम महातेजा जनकस्य महात्मने निवेद्य वीर रामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र ने पूरा परिचय दिया और ये भी बताया इन्होंने देवी अहल्या का उद्धार किया है, और यह जनकपुर में महाधनुष को देखने की जिज्ञासा लेकर के आए हैं। महाधनुष को देखने की जिज्ञासा लेकर, इसलिए महाराज स्पष्ट है कि इनको वह धनुष दिखा दो।